एसबीआई ने डीवीसी को विद्युत आपूर्ति के लिए बड़ी मदद की है। भारतीय स्टेट बैंक ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के लिए 10,050 करोड़ रुपए का मंजूर कर लिया है। यहाँ लोल अंट्रा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत किया गया है। ये परियोजना भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए अनुरूप 1600 मेगावाट बिजली क्षमता की वृद्धि का प्रयास है। लोन समझौते का आदान प्रदान एसबीआई वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, एसबीआई ने डीवीसी को विद्युत आपूर्ति के लिए बड़ी मदद की है, क्या कुछ अधिक अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरह से लगातार बिजली के समस्या दूर करने के लिए एक बड़ी पहल है सरकार की तरफ से, और डीवीसी को 10,000 करोड़ का आज ऋण सुपर पावर थर्मल के तहत उसे ऋण मुआयना प्रदान किया गया है। एसबीआई के कई अधिकारी थे डीवीसी के अधिकारी से। बता दें कि इससे पहले कोडरमा में जो डीवीसी प्लांट है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, उसमें लगभग 500 मेगावाट का 1000 बिजली उत्पादन वहाँ अभी भी होता है, लेकिन इससे ऋण मिलने से जहाँ डीवीसी 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी, वही झारखंड को फायदा होगा, खासकर के पड़ोसी राज्य बंगाल को भी इस परियोजना का लाभ मिलते रहा है। और इस जब 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा तो राज्य की जो बिजली समस्या है, खासकर कोडरमा आसपास के जो जिले के इलाका है या बंगाल के कुछ इलाका है, तो उसको ज्यादा फायदा होगा इस ऋण से। जो 2030 तक बिजली के क्षेत्र में दामोदर घाटी, मतलब दामोदर वैली जो कॉरपोरेशन है, डीवीसी है, उसको ऋण मिलने से, और बहुत बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से है कि 10,000 ऋण के रूप में एसबीआई की तरफ से समझौता हुआ है, और उसका आदान प्रदान इसमें डीवीसी के कई बड़े अधिकारी थे, स्टेट बैंक के कई अधिकारी थे। और इस ऋण मिलने से जहां झारखंड को फायदा होगा, वहीं 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, क्योंकि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी डीवीसी का, और उस समय से लगातार जो पैसे की कमी से कई तरह की समस्या आ रहा था, उसको उससे दूर किया जाएगा और बिजली के क्षेत्र में। बिल्कुल 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 संतोष, बड़ी खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।